चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल, शरद पवार की पार्टी में टूट। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, एनसीपी के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। मोबाइल फ्रिज सहित कई होम अप्लायंस सस्ते हुए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी पर सरकार ने 19% तक कटौती की। महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, पंजाब सरकार ने 1 रुपया वैट बढ़ाया, रात 12 बजे से बड़ी हुई कीमतें लागू। नई संसद की दीवारों पर बताई जाएगी स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी, जल्दी शुरू होगा दूसरे फेज का काम। राहुल गांधी की मोहब्बत का संदेश, डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी की बजाय आम आदमी पार्टी से लड़ाई, दिल्ली में खुद को जिंदा करेगी कांग्रेस। जल्दी शुरू होगी दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन, 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकता है रैपिड एक्स का किराया। आंध्र सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच रही टमाटर, बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने उठाया कदम। किसानों को सीएम शिवराज ने दी राहत, हॉर्टिकल्चर फसलों का होगा बीमा, केला फसल नुकसान की मुआवजा राशि अब 6 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में होती है विकासवाद की राजनीति। 2024 में अरुणाचल की सभी 60 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, बताया प्लान। हरियाणा में अब आपदा के बारे में मिलेगी प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट, मोबाइल ऐप और पोर्टल किया गया लॉन्च। महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना की राशि जल्द ही 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये होगी, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना शर्मनाक, वास्तव में आम नागरिकों को दी राहत, निर्मला सीतारमन। शिमला में सेब की अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई, ग्रेडिंग पैकिंग और गाड़ियों का किराया तय, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। यूपी में बिजली संकट से मिलेगी निजात, दिसंबर तक 2640 मेगावाट उत्पादन बढ़ाएगी योगी सरकार। सितंबर से एक ही कानून से चलेंगे देश के 85% पैक्स, शाह बोले हमने पैक्सों को कंपनी का दर्जा दिया। समान नागरिक संहिता पर सत्र के सियासी रुख अपना रही कांग्रेस, कहा मसौदा सामने आने पर पार्टी विचार कर बनाएगी राय। आरक्षण के नाम पर बंगाल में बड़ा खेला, ओबीसी लिस्ट में 118 मुस्लिम और 61 हिंदू जातियां, आयोग हुआ सख्त। महाकुंभ 2025 के लिए सीएम योगी 9000 करोड़ रुपए के 400 बड़े प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। मिशन 2024 उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी, भाजपा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है जिम्मेदारी। पेट्रोलियम मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राफेल मुद्दा हो या और कोई, कांग्रेस नेता हमेशा झूठे साबित हुए। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की राह पर ड्रोन की नजर, नाइट विजन से हर पल चौकसी, सेना एनडीआरएफ समेत कई दस्ते तैनात। हंगामेदार होगा संसद का मानसून सत्र, विवादास्पद दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर हो सकता है फैसला। कश्मीर में महिलाओं बच्चों से हथियार सप्लाई करवा रही ISI, आतंकियों को मैसेज भेजने में भी इस्तेमाल किया जा रहा, इनमें लड़कियां भी शामिल। हिंदू सेना ने UCC के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाया पोस्टर, कहा देश को ऐसे कानून की जरूरत है। पहली बार बिजली से दौड़ेगी बसें, 6 साल में बनेगी दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डिजिटल पेमेंट में भारत ने हासिल किया नया कीर्तिमान, ग्लोबल ट्रांजेक्शन में 40% पहुंची हिस्सेदारी। मायावती ने UCC का किया समर्थन, बोली हम इसके पक्ष में हैं लेकिन बीजेपी के लागू किए जाने के तरीके के खिलाफ। हमें जो विषाक्त फल खाना पड़ रहा है उसका बीज कांग्रेस ने बोया था, मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया, शिव कुमार बोले इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस सरकार। केजरीवाल बोले छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, बीजेपी कांग्रेस ने लूट लिया, भगवंत मान ने कहा देश को सरकार चलाने वाले नेता नहीं मिले। अब NCP हमारी पार्टी, शरद पवार को बड़ा झटका देकर डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी ठोका दावा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा सीमा में 50 से अधिक अवैध कट होंगे बंद, हादसों पर लगेगी लगाम। कर्नाटक में 10 जुलाई से शुरू होगी मुफ्त चावल योजना, खाद्यान्न की कमी के कारण अभी मिलेंगे पैसे। दिल्ली समेत 4 राज्यों में बनाए जाएंगे 333 पराली संग्रह डिपो, प्रबंधन के दिशा निर्देश बदले। बिहार में अब संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में आधार वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य, 1 जुलाई से लागू होगा नई व्यवस्था। शिमला में ट्रैफिक और संदिग्धों पर अब CCTV से रहेगी नजर, नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक कटेगा चालान, 240 कैमरे लाइव। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर महबूबा का बीजेपी पर निशाना, कहा विधायक खरीदने में लगी भाजपा। हरियाणा में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाकर ताकत दिखाएंगे सुरजेवाला, जाट बेल्ट में 30 जगहों पर होंगे कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। होटलों से सलाद से गायब हुआ टमाटर, 115 रुपए प्रति किलो बढ़ा भाव, आलू भी 25 तक पहुंचा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 13,000 मानदेय और रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1,25,000 रुपए। बिहार में भी बन सकती है महाराष्ट्र जैसी स्थिति, सुशील मोदी ने नीतीश के 1-to-1 और तेजस्वी राहुल पर कसा तंज। लखनऊ में दहाड़े अमित शाह बोले, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम और 300 से अधिक सीटें जिताकर हमें दिखाना है। दिल्ली एम्स के मरीजों के लिए बड़ी राहत, नए ओपीडी में शुरू होगा अमृत फार्मेसी स्टोर, सस्ती दर पर मिलेगी दवाएं। 25,000 करोड़ के 9,000 फर्जी जीएसटी नंबरों का पर्दाफाश, बोगस कंपनियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता। राजस्थान के 45,000 पोलिंग बूथों पर पहुंचा भाजपा के विस्तारक, पार्टी करेगी पशुपालक सहित कई सम्मेलनों का आयोजन। चीन की सेना ने वुहान लैब में बनवाया कोरोना जैविक हथियार, हो रहा था तैयार, अब तक की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायत की मंजूरी, बगैर सड़क या पक्की गली तोड़ी तो दर्ज होगा मुकदमा, खुदाई पर देना होगा मरम्मत का खर्च। आगरा के सीबीएसई स्कूलों में प्लास्टिक टिफिन बॉक्स पर रोक, 153 विद्यालय में लागू होगा नियम। उर्वरक के मामले में 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, पिछले वर्ष 25% तक बढ़ा उत्पादन। पराली की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने तैयार की 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना। झारखंड में अब सीसीटीवी कैमरे से सरकारी स्कूलों में की जाएगी निगरानी, बंक नहीं मार पाएंगे शिक्षक। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले टीएमसी का शक्ति परीक्षण, सीएम ममता को फोन, जनसंपर्क अभियान शुरू। 2024 के चुनाव से पहले सीएम खट्टर का बड़ा दाव, कहा अगले 6 महीने में 3,000 रुपए कर देंगे बुजुर्ग पेंशन। राजस्थान में रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्मार्टफोन खरीदने के पैसे ट्रांसफर करेगी गहलोत सरकार। ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण का असर, प्रचंड गर्मी से 2030 तक आर्कटिक में पिघल जाएगी समुद्री बर्फ। यूपी के गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने निरस्त किए 5 साल के सभी ट्रैफिक चालान। बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर बोली भाजपा, मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली कर सकती है तृणमूल। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना, अखिलेश ने कहा हम लोग बहुत नरम हैं, अब सख्त होने की जरूरत। हिमाचल में आवारा कुत्तों और बंदरों की नसबंदी के लिए चलेगा विशेष अभियान, पहचान के लिए लगाया जाएगा टैग। दिल्ली में बीजेपी महासचिव और मोर्चों के अध्यक्षों की मीटिंग हुई, जेपी नड्डा ने अध्यक्षता की, 6 से 8 जुलाई की बैठकों का रोडमैप बना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो राजस्थान में रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्मार्टफोन खरीदने के पैसे ट्रांसफर करेगी गहलोत सरकार। जी हां, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के 1,33,00,000 परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में स्मार्ट मोबाइल फोन के पैसे हस्तांतरित करेंगी। महिलाएं खुद उन पैसों से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीद सकेंगी। शुरुआत में 40,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में रक्षाबंधन के मौके पर स्मार्टफोन के पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए जन आधार कार्ड के रिकॉर्ड से प्रदेश की सभी महिलाओं का विवरण एकत्रित किया गया है। सरकार की पहले खुद मोबाइल फोन खरीद कर वितरित करने की योजना थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया करीब 4 महीने बाद प्रारंभ होनी है। इतने कम समय में मोबाइल कंपनियों से निविदा की प्रक्रिया पूरी करवाना और फिर वितरित करना मुश्किल काम है। अब महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार बिजली से दौड़ेगी बसें, 6 साल में बनेगा दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, दिल्ली से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर के रूट पर अगले 6 साल में बिजली से चलने वाली बसें दौड़ने लगेगी। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय देश का पहला इलेक्ट्रिसिटी इनेबल्ड हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए मौजूदा सड़क पर ही आने जाने वाले रास्तों पर एक डेडिकेटेड लेन बिजली से चलने वाली बसों के लिए तय की जाएगी। ऐसी 55 सीटर बस का प्रोटोटाइप भी तैयार हो रहा है। 2 बसें जोड़कर 95 सीटर पर भी काम चल रहा है। अफसरों का कहना है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए अलग सड़क की जरूरत नहीं है, डेडिकेटेड लेन होगी, इन बसों में तारों से बिजली आपूर्ति होगी। इसके लिए डिवाइडर पर बिजली के पोल लगाए जा सकते हैं। मोबाइल फ्रिज सहित कई होम अप्लायंस हुए सस्ते, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी पर सरकार ने 19% तक कटौती की। जी हां, मोबाइल टीवी और रेफ्रिजरेटर सहित कई होम अप्लायंस आज से सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के 6 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर जीएसटी में 19% तक की कटौती की है। यानी कि जो लोग नया फोन या इलेक्ट्रिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अब 3 से 19% तक टैक्स को कम देना होगा, और कंपनियों भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की है। जीएसटी की नई दर के मुताबिक भारत सरकार ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी में 19.3% कटौती की है। वहीं होम अप्लायंस जैसे गीजर, पंखे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर आदि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 13.3% की राहत दी गई है। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर लोगों को 12% जीएसटी देना होगा, पहले इन प्रोडक्ट पर 31.3% जीएसटी देना होता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने निरस्त किए 5 साल के सभी ट्रैफिक चालान। जी हां, प्रदेश के लाखों गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के सभी ट्रैफिक चालान को निरस्त कर दिया है। सरकार का यह फैसला उन वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो किन्हीं वजह से चालान नहीं भर सकते थे। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गए हैं, वह सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं। यह फैसला विभिन्न अदालतों में लंबित चालान के मामलों पर भी लागू है, साथ ही सभी वाहनों पर लागू होते हैं। परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के ARTO को निर्देश दिए हैं।
कि अदालत में संबंधित मामलों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं। यूपी सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।